आज हम बात करेंगे इंडिया में पीएम कैसे बनते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है वह तीन चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पीएम का इलेक्शन लोकसभा से होता है। इंडिया में अलग अलग इलेक्शन होता है और हर इलेक्शन 5 साल पे एक बार होता है। इसी तरह लोकसभा इलेक्शन जो 2014 में पीएम के लिए हुआ था वो फिर 2019 में 5 साल के बाद होने जा रहा है। लोकसभा, जिसे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, उसमें 545 सीटें हैं और यह 545 सीटें पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाता है वहाँ के पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से। जैसा कि यूपी में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ लगभग 80 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर 42 सीटें हैं। और यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन कम होने की वजह से सभी यूनियन टेरिटरी में एक सीट है, सिवाय दिल्ली में 7 सीटें हैं। अब पूरे इंडिया में हर जगह से सभी पार्टी अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करता है, जैसे कि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से खड़े हो रहे हैं। और हम लोग इन पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं। फिर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलता है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला और उसी हिसाब से सीट मिलता है। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी को वेस्ट बंगाल में 42 सीट में से 40 सीट मिलता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या 40 सीट 40 कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, अभी ये 40 कैंडिडेट लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए जाते हैं। अब पूरे इंडिया में हर पार्टी को अलग अलग सीट मिलती है। जिस पार्टी को 545 सीट के 50% से ज़्यादा सीटें मिल गया तो वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी यानी बहुमत सरकार बन जाती है। अब पीएम बनने के तीन रास्ते हैं। पहला यह कि बहुत सारे पार्टी इलेक्शन के पहले ही पब्लिक को बता देते हैं कि अगर उनका पार्टी बहुमत सरकार बनती है तो वो अपने पार्टी के लीडर को पीएम बनाएंगे। दूसरा यह कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब कुछ पार्टी मिलकर आपस में अलायंस यानी गठबंधन कर लेते हैं, फिर जिस पार्टी को ज़्यादा सीट होता है वह पीएम बनता है, या सभी पार्टी किसी एक पार्टी को लीडर चुन लेते हैं पीएम के लिए। तीसरा यह कि अगर किसी पार्टी में ज़्यादा लीडर्स है तब उस पार्टी में एमपी डिसाइड करते हैं हमारे बीच से कौन पीएम के लिए चुना जाए। तो कुछ इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में पीएम का इलेक्शन होता है।